देखो मायरा, तुम मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकती। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं, जो सच है वही कह रही हूँ। ध्रुव भी कह रहा था। तो फिर तुम्हारी सच की परिभाषा में ही खोट है, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रमोशन रोकने के लिए कोई भी चालबाजी नहीं की है। और वैसे भी तुम ध्रुव का विश्वास कर रही हो, तुम्हें तो मुझ पे विश्वास होना चाहिए। मायरा, तुम्हारा विश्वास करना चाहिए। हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हें। मेरा प्रमोशन रोककर अपना प्रमोशन करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। बस मायरा, बस बहुत हो गया। अब अगर तुमने जरा भी मेरे खिलाफ जहर उगला, मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगी कि तुम्हारी सात पुश्तें भी याद रखेंगी। तुम धमकी दे रही हो मुझे? दे रही हूँ धमकी, और वो भी सबके सामने दे रही हूँ धमकी। इस बार अगर तुमने मेरे साथ टेढ़ी होने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। क्या कर लोगी बताओ ना, मैं भी सुनूं जरा। क्या कर लोगी बताओ ना। बस करो मायरा, मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बोला क्या? मैं हूँ यार। दरवाजा तो खटखटा के आ सकती है ना। अब ये दरवाजा बरवाजा खटखटाना, देखिए फॉर्मेलिटी मुझसे नहीं होती। मेरा बस एक ही उसूल है, चाबी लगाओ, दरवाजा खोलो। भले किसी को हार्ट अटैक क्यों ना आ जाए, तू इतनी डरी सहमी सी क्यों है? कोई डरावनी मूवी देख ली है क्या? जिसकी असल जिंदगी में आत्मा हो, उसे फिल्म देखने की क्या जरूरत? असल जिंदगी में आत्माएं मतलब? मतलब कुछ नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। देख, मैं देख रही हूँ आजकल तेरा बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है ना। तू टाइम पे खाती है ना, टाइम पे सोती है, और बात करो तो सर में दर्द। अपनी शिकायतों का ना ये पोटला लेके मत बैठ जा यार। यार तू बात बात पे बिगड़ के जाती है। चल यार, चल मूवी देखने चलते हैं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, प्लीज मुझे नहीं देखनी फिल्म। देख तू बैठ अपने सड़े हुए मूड के साथ, मैं तो चली अर्जुन से बात करने। हेलो। हेलो मैडम, आज दिन भर तुम्हें मेरी याद नहीं आई ना? याद तो इतनी आई कि मैं रोने ही लगा। चल झूठा, तुमको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा तुम्हारा तो आज अमायरा के साथ मूवी जाने का प्रोग्राम था, क्या वक गई नहीं क्या? पता नहीं क्या हो गया ऐसे, आजकल इसका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया है। पहले तो खूब हंसती खिलखिलाती रहती थी, लेकिन अब इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। ओह अच्छा, मुझसे बात करो, देखो एक मिनट में उसका मूड कैसे बदल देता हूँ मैं। लगता है सो गई, आज उसके सर में दर्द था। अब आपके जैसा रूममेट रहेगा तो सर में दर्द तो होगा ही ना। अच्छा जी, इतनी बुरी हूँ मैं? तुम जरा मिलो मुझे कल, तब तुम्हारी कान खिंचाई करती हूँ। अच्छा सुनो, कान जरा धीरे खींचना, नहीं तो डॉक्टर के पास आपको ही ले जाना पड़ेगा। ये लड़की भी ना फिर से जाग गई, पता नहीं किस बात की टेंशन है इसे। ओके चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, थोड़ा वक्त तुम उसके साथ गुजार लो, ठीक है? ओ
ओह माय गॉड, पूजा क्या हुआ? किसी ने अमायरा को ऊपर फेंका। क्या? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? अमायरा, अमायरा तू ठीक तो है? अमायरा, अरे क्या हुआ पूजा, इतनी रात को क्यों हल्ला मचा रही है? यार अमायरा पर किसी ने हमला किया है, रूम अंदर से लॉक है। ये चाबी कहाँ है? वो अंदर रह गई यार। अमायरा, हटे हटे, क्या हुआ मैडम? प्लीज दरवाजा खोलिए, अंदर कोई है। हे भगवान, कमरे का सारा सामान उलट पुलट हो गया है। अमायरा, अमायरा और सर, जिस तरह से घर का सामान फैला हुआ है, ऐसा लगता है इसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बेचारी नाकामयाब रही। इस कमरे के अंदर आने का, बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है, और वो है दो दरवाजा, और वो भी अंदर से बंद था। सर, लगता है वो खिड़की से भागा होगा, पाइप के रास्ते। बेचारी। सिक्योरिटी, कैसी ड्यूटी करते हो तुम? हाँ, कोई अंदर घुसा कैसे इस कमरे में? सब इस पूरे हॉस्टल में मैं एक ही गार्ड हूँ। मैनेजमेंट को बोल बोल के थक गया हूँ कि और एक गार्ड रखे, मगर सुनते नहीं साहब। चुप, सोते रहते हो ड्यूटी पर। देखो बेटा, पूजा बेटा बता, शुरू से बता, एकदम डिटेल बताओ। सर, मैं बाहर गार्डन में अपने दोस्त अर्जुन से बात कर रही थी मोबाइल पे, कि तभी मैंने देखा अचानक से अमायरा को किसी ने जोर से ऊपर फेंका और उसका सर छत से जा टकराया। क्या? अमायरा को किसी ने ऊपर फेंका और अमायरा का सिर छत से टकराया? यस। लेकिन ये कैसे मुमकिन, किसी को ऐसे ऊपर उठा के फेंकना ये आसान काम नहीं है। मैं जानती हूँ सर, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने वो नजारा देखा मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। बताओगी छत पे कहाँ पर? हा? सर वो उधर। आप अंदर आराम से बता। हाँ सर, वहां पंखे के साइड में। सचिन, वहां खून की छींटे दिख रही हैं, है ना? मतलब सर, वाकई अमारा का सर छत से टकराया था? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। पूजा, तुमने खूनी को देखा नहीं? नहीं मैम, वो नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। वंश, ब्लड सैंपल उठाओ वहां से, छत से, और फोरेंसिक लैब भेज दो, पता चल जाएगा। आसान की, पता चला छत पे लगा खून किसका है? वो खून अमायरा का ही है। मतलब पूजा का कहना बिल्कुल सही था, अमायरा का सर कमरे की छत से टकराया था। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? अमायरा का वजन कम से कम 55-56 किलो होगा, कोई ऐसे किसी को उठाकर यूं सीलिंग पे कैसे फेंक सकता है? जयवंती, ये काम तो सिर्फ ए, बस रेडी प्लीज। सारू के, तू वजह बता। बस मौत की वजह गर्दन टूटना है। यार सारू के, ये तो पता है, लेकिन गर्दन सिर के ऊपर गिरने से भी टूटती है या फिर तोड़ी जा सकती है? बिल्कुल हाँ, ठीक है, गर्दन किसी भी तरीके से तोड़ी जा सकती है, ये पता लगाना भी बाकी है गर्दन कैसे टूटी, लेकिन ये पक्का है कि मौत इसकी गर्दन टूटने की वजह से ही हुई, क्योंकि इसकी गर्दन की ये जो सारी हड्डियां हैं ये एकदम चकनाचूर हो गई। सर उनके जरा डिटेल में बताएगा? हाँ ठीक। ये देखो, बस ये इसकी गर्दन की हड्डियां एकदम चकनाचूर, और ये देखो इसके सर पर भी चोट का निशान है पीछे की तरफ, और ये पीठ पर भी चोट के निशान है, और तो और बॉस इसके हाथ की कोहनियां देखो, यहां पर भी हल्की हल्की चोट का निशान। और अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे टकरा कर गिरता है तो उसका इम्पैक्ट सर, पीठ और उन्हीं जगह पर होता है जैसा कि हमारा के शरीर पर हुआ। एक बात और बॉस, हमारा के सर पर मुझे पेंट और प्लास्टर के कुछ अंश मिले, वो पेंट और प्लास्टर जो उस कमरे की छत पर था।
यार समझ में नहीं आता, एक लड़की की मौत उसका सिर सीलिंग से टकराने से होती है, तो क्या सीलिंग तक क्या अपने आप उछल कर जा सकती है? नहीं। और फिर किसी एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता। अगर किसी एक आदमी ने किया है तो फिर किसी ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया होगा जिससे इस लड़की को सीधे ऊपर खींच लिया ताकि उसका सिर सीलिंग से टकराए। लेकिन समझ में नहीं आता, पूजा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है? तो फिर अमायरा का सिर सीलिंग से टकराया कैसे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर अमायरा के बारे में पता चला है सर, वो पुणे की रहने वाली थी और पिछले एक साल से ही मुंबई के वुमेन्स हॉस्टल में रह रही थी सर। हाँ सर, यूएलसी रिसर्च सेंटर में वो असिस्टेंट का काम करती थी। क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई झगड़ा वगड़ा कुछ पता चला? ना ही कोई झगड़ा हुआ था और ना ही कोई दुश्मनी। हाँ सर, लेकिन उसकी एक दोस्त है स्वाति, ये जयवंती लाने गई है उसे। और हाँ सर, उसकी माँ का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से उसने फोन करना कम कर दिया था, जबकि पहले तो वो रोज फोन पे बात किया करती थी। तो ये जरूर किसी उलझन में होगी ये लड़की, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होगा उसे। आइए सर, ये स्वाति है, अमायरा की सबसे करीबी दोस्त। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अमायरा का खून को इतनी बेरहमी से कैसे कर सकता है। बेटा एक बात बताओ, कब से जानती थी तुम अमायरा को? सर मैं उसे पिछले 6 महीने से जानती थी। क्या हाल ही में तुम्हें ऐसे लगा कि वो किसी परेशानी में है? कल दोपहर की बात है, वो बहुत खोई खोई लग रही थी, मैं उससे बातें कर रही थी और ऐसा लगा जैसे कि उसका ध्यान मेरी बातों में है ही नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि परेशानी की वजह क्या है? उसने मुझे कहा था कि उसके ऑफिस में कोई हादसा हुआ है। अमायरा के ऑफिस में हादसा हुआ था, यूएलसी रिसर्च सेंटर। जी कहिए, किससे मिलना है आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से, अमायरा के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। आइए मैं आप लोगों को अपने बॉस से मिलाता हूँ। आइए। एक्सक्यूज मी सर, सर ये लोग सीआईडी से हैं। एसीपी प्रद्युम्न सर, आपको कौन नहीं जानता? बाय द वे, मेरा नाम गौरव है सर। ये रिसर्च लैब जो है ये मेरी। गौरव जी जरा बताइए, कौन कर सकता है ये? किस पर शक है आपको? नहीं सर, मुझे किसी पर शक नहीं है। हमने तो सुना है कि कल अमायरा के ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा तो हुआ था सर। ये बताइए किसके साथ हुआ था झगड़ा? मीरा के साथ हुआ था, वो भी मेरी एक असिस्टेंट ही है। मीरा, जरा बुलाइए मीरा को। सर वो तो फिलहाल ऑफिस में नहीं है। वैसे किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? प्रमोशन के लिए सर, इस तरह के झगड़े ऑफिस में होते रहते हैं। लेकिन स्थिति उस वक्त हद से बाहर निकल गई जब उस कॉन्फ्रेंस रूम का जो झूमर था वो टूट करके अमायरा के ऊपर गिरने लगा था और मैंने किसी तरह उसे बचाया। तो क्या वो झूमर मीरा ने गिराया था अमायरा पे? कह नहीं सकता, लेकिन इस पूरे ऑफिस में ये अफवाह है कि वो टेलीकाइनेटिक है। आपका कहने का मतलब है कि मीरा अपनी मन की शक्ति से कोई भी चीज को हिला सकती है, उठा सकती है, है? इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ये संयोग भी हो सकता है। वैसे कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है जहाँ पर वो झूमर गिरा था अमायरा के सिर पर? आइए सर। सर यही वो जगह थी जहाँ पर वो झूमर लटका हुआ था और यहीं से गिरा। झूमर वहां था और अमायरा यही बैठी हुई। यही बैठी थी। रेडी, उधर सीढ़ी लो और ऊपर चढ़ के देखो, देखो कोई छेड़खानी की है क्या। मैं सर। रेडी, किसका नाम है? यस सर। अरे बाप रे, सर हुक तो बिल्कुल ठीक ठाक है, शायद झूमर का कोई पेंच वगैरह ढीला हो। अच्छा गौरव जी, आपके मेंटेनेंस वाले को बुलाओ जरा। निशा। यस सर। देखो मेंटेनेंस में कौन है, जो भी हो उसे फटाफट बुला के लाओ।
सर मैं नीचे उतरू क्या? नहीं, ऊपर ही अच्छे लगते हो तुम। उतरो नीचे। सो ये मिस्टर श्याम, यहाँ के मेंटेनेंस स्टाफ। श्याम जी बताइए, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर। ये पता नहीं नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो वजह होनी चाहिए ना, नहीं तो जुमर गिरा कैसे नीचे? सर लोग तो कहते हैं कि मीरा की जादू शक्ति से। सर कहिए, मीरा की जादू वाली बात सच तो नहीं है? हम लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। जाइए आप। जी सर। सर जब झूमर गिरा मैं यहीं खड़ा था सर, मैंने देखा कि मीरा ने अपनी दोनों आंखें बंद रखी थी और ऐसा लग रहा था उसका पूरा ध्यान उस झूमर पे। देखा सर, मीरा के ध्यान में बहुत ताकत है। शक्ति तो मेरे में भी है, तुम्हें उस कोने में खड़े करने की। अब ज्यादा मत बोलना, चुप रहना। अनिशा जी आपको क्या कहना है इस बारे में? सर मैंने मीरा और मायरा दोनों का झगड़ा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे ऑफिसर को दीजिए, रेडी, और झुंबर भी ले लेना। इस मीरा से अब जल्दी से जल्दी मिलना पड़ेगा। सर मीरा के फोन का सिग्नल यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर और आगे की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादा देर नहीं बचेगी। सर अब आगे एक राइट टर्न आएगा, वहां से हमें राइट में जाना है। सर सर अब सिर्फ 50 मीटर दूर है। सर ये सामने जो टैक्सी जा रही है, कहीं मीरा इस टैक्सी में तो नहीं है? हाँ सर, सर फोन का सिग्नल उसी टैक्सी में से आ रहा है। कुछ बातें करते हैं मीरा जी। ये क्या बदतमीजी है, आप लोग ऐसे कैसे घुस आए अंदर? हम लोग सीआईडी से हैं। क्यों मारा मायरा को? क्या अमायरा मर गई? ड्रामा नहीं, तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना ऑफिस में। मेरा हर रोज 10 लोगों के साथ झगड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या मैं हर किसी को मारती फिरूंगी? हर किसी से जलती नहीं हो तुम। सुना है प्रमोशन पाने के लिए होड़ लगी थी तुम दोनों के बीच में। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो झूमर तुमने गिराया था ना? वो बस एक संयोग था कि जिस वक्त हमारी बहस हो रही थी झूमर गिर गया। लेकिन आपके ऑफिस के लोगों का कहना है कि आप टेलीकाइनेटिक हैं, मन की शक्ति से निर्जीव चीजों को हिला सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे यकीन कर सकते हो ऐसी बातों पे। हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन जिस वक्त झूमर गिरा तुम अपनी आंखें बंद करके क्यों खड़ी हो? मुझे अक्सर ब्लैकआउट्स हो जाते हैं और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन बाय द वे, अमायरा की मौत झूमर गिरने की वजह से तो नहीं हुई थी ना? अमायरा की मौत हॉस्टल के कमरे में हुई थी कल रात 3:30 बजे। उस वक्त तुम कहाँ थी? मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, वहीं पे थी मैं। सर अपने दोस्त का एड्रेस और फोन नंबर दो। सर ये मीरा बिल्कुल ठीक कह रही थी, कल रात ये अपने दोस्त रूबी की पार्टी में थी सर। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि अमायरा के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो पार्टी से हमें ये भी पता चला कि आप 2 बजे रात को पार्टी से निकल गई थी। और अमायरा का खून 3:30 बजे हुआ, मतलब तुम्हारे पास बहुत वक्त था अमायरा को मारने का। आप लोग अभी भी मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे? ये सच है कि सुबह ऑफिस में मेरा अमायरा के साथ झगड़ा हुआ था और फिर पार्टी में भी सर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और उसी वजह से मैं पार्टी से निकल के चली गई। आप सीधा हॉस्टल में गई? मैं हमारे के हॉस्टल नहीं गई हूँ। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों करे विश्वास? क्योंकि सर जब मैं गाड़ी में बैठ के वापस आ रही थी तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी और फिर अचानक से
दोबारा ब्लैकआउट हो गया। सर सुबह 6 बजे तक मुझे होश ही नहीं आया। कमाल है ना, कभी भी अचानक आप ब्लैकआउट हो जाती है। मुझे सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप मेरे डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर सविता। सुबह घर पहुंचते ही मैंने उनको चेकअप के लिए बुलाया था सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सर अगर ये मीरा हॉस्टल में गई भी थी तो ये सब कुछ उसने किया कैसे होगा? ये इस अकेली लड़की का काम नहीं है। सर, हाँ सर, एक मिनट। सर अमायरा और इस मीरा की तूतू मैमे के बीच किसी ध्रुव का नाम आ रहा है। है कौन ही ध्रुव? सर ये देखिए, तुम मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकती। अच्छा। ध्रुव भी कह रहा था मेरा प्रमोशन रोककर अपना प्रमोशन कराने के चक्कर में पता नहीं तुम कितना गिर सकती हो। क्या चक्कर है मीरा जी है? इसमें तो अमायरा कह रही है कि ध्रुव ने उसे बताया कि तुम उसका प्रमोशन रोककर अपना प्रमोशन करने के चक्कर में थी। ध्रुव तो था ही एक नंबर का चुगलखोर, दिन भर बस इधर की बातें उधर करता रहता था। अच्छा चल अभी पता लगवाते हैं। रेडी? यूएलसी रिसर्च सेंटर में फोन करके पता लगा इस ध्रुव के बारे में। ये ध्रुव मुझे गड़बड़ लग रहा है। यस सर। जयंती चलो आगे दिखाओ जरा। एक मिनट पॉज करो, इस ध्रुव पे ज़ूम करो। देखा तुमने, ये ध्रुव ऊपर की तरफ देख रहा था। हाँ सर अब बिल्कुल ठीक है सर। जयंती अब आगे स्लो मोशन में दिखाओ। सर देखते हैं क्या करता है ये ध्रुव। देखा तुम लोगों ने, ध्रुव ऊपर देखते देखते उसने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला। सर इसका मतलब इसके जेब में कुछ था जिसकी वजह से ये लाइट गिरी। सर इसका मतलब अमायरा का छत से टकराना वो भी एक साजिश थी। सर जिसका डर था वही हुआ, हमारा शक सही निकला। ध्रुव ऑफिस में नहीं है और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। ये लो मीरा जी, बताओ मीरा ध्रुव की कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था अमायरा के साथ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ध्रुव का फोन नंबर तो पता होगा आपको? यस है। सचिन इस ध्रुव का फोन ट्रेस करो, देखो इस वक्त कहां पर है ये ध्रुव। और हाँ अमायरा की हॉस्टल दोबारा चलना पड़ेगा। चलो बताओ कहां पर खड़ी थी तुम जब तुम अर्जुन के साथ बात कर रही थी? सर मैं यहां थी। यहां खड़ी? जी सर। ओके और अमायरा कहां खड़ी थी? सर वो वहां खिड़की के पास खड़ी थी। उस खिड़की के पास? जी सर। दिव्या जाओ ऊपर और उसी खिड़की में खड़ी रहो जहां पर अमायरा खड़ी थी। ओके सर। सर भैया अब बताओ अमायरा को खिड़की में देखने के बाद तुमने क्या देखा? उसके बाद तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा कि किसी ने उसे ऊपर छत की तरफ फेंका। अमायरा को? अच्छा अमायरा को जब छत की तरफ फेंका गया तो क्या वो चीख चिल्ला रही थी? नहीं सर उसका चेहरा नीचे की तरफ था और वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? सर फिर मैंने उसका सर छत पे टकराते हुए देखा पंखे के पास। अमायरा का सिर पंखे के पास छत पे टकराया? ये कैसे मुमकिन है पूजा? यहां से तो छत दिख ही नहीं रहा है।
छत तो छोड़ो, पंखा तक नहीं दिख रहा है। सर लेकिन उस टाइम दिख रही थी। चलो आ जाओ। छत दिख रही है? नहीं। और आ गया, दिख रहा है? नहीं सर। तो बताओ, अगर यहाँ से भी छत नहीं दिख रहा है, वहां से तो बात छोड़ो, यहाँ से भी छत नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें छत और पंखा दिखा कैसे? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो हमसे? गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही हमको? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर, मैं सच बोल रही हूँ। उस टाइम मुझे छत दिख रही थी। तुम्हें वाकई छत दिख रही थी? जी सर। फैन भी दिख रहा था? जी सर। अब समझ में आ गया सचिन, पूजा को छत क्यों दिख रहा था। पूजा को छत दिख नहीं रहा था, पूजा को छत दिखाई गई थी। छत दिखाई गई थी सर, मतलब? चलो पूजा, वहीं चलते, वहीं समझाता हूं। चलो आओ। सर बताइए ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे झूठ मूठ की छत कैसे दिखा सकता है? दिखा सकता है पूजा, एक तरीका है, 3D इमेज को प्रोजेक्ट करके। 3D इमेज? लगता है जिसने भी ये किया है ना, और तुमने जो देखा है वो शायद पहले रिकॉर्ड करके रखा गया था, और मौका पाते ही उसने वो इमेज, वो 3D इमेज यहाँ पर प्रोजेक्ट करी। तुमने वो देख ली, तुम्हें वो सही लगा। मतलब सर जो प्रोजेक्शन में दिखाया गया वो लड़की कोई और ही थी, अमायरा नहीं? लगता तो ऐसे ही है सचिन, क्योंकि अगर अमायरा होती तो पूजा देख लेती। पूजा ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा उस लड़की का। हाँ सर। खूनी को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, और ये सब करने के लिए उसने प्रोजेक्टर लगाया कहाँ था? पर सर हम तो यहाँ कुछ ही देर बाद आ गए थे, तब तो यहाँ कोई प्रोजेक्टर नहीं था। हाँ सर, अगर प्रोजेक्टर निकाला भी होगा तो इतनी जल्दी कमरे के बाहर कैसे ले गए वो लोग? कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है सचिन, जैसे तुम कह रहे थे कि वो शायद खिड़की से भागा होगा। अगर खिड़की से भागा तो क्या नीचे छलांग लगा था वो? चलो मान लिया छलांग नहीं लगाई उसने, वो पाइप से उतरा होगा, लेकिन पाइप से उतरते वक्त वो प्रोजेक्टर को लेके कैसे जा सकता है? ये तो बहुत ही कठिन काम। सचिन लगता है समझ में आ रहा है कि उसने वो प्रोजेक्टर कहाँ पे लगाया था। कहाँ पे सर? वहां सामने वाली बिल्डिंग में। सर ये रहा मेरा ऑफिस। पर सर ये तो पिछले एक साल से बंद पड़ा हुआ है। इस जगह को अच्छी तरह से ढूंढो। क्या हुआ है? हम एक केस की छानबीन कर रहे हैं, और हमें शक है कि तुम्हारे इस बंद पड़े ऑफिस का इस्तेमाल गलत काम के लिए किया गया है। हो सकता है सर, क्योंकि इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ समय पहले से जॉब छोड़ के चला गया है। सचिन इधर वो देखो, यहां से अमायरा का कमरा साफ साफ नजर आ रहा है। 3D प्रोजेक्शन यहीं से किया गया है, यहीं से। सर आप मेरे ये देखिए एक्सटेंशन कॉर्ड। अमित। यस सर। क्या ये एक्सटेंशन कॉर्ड तुम्हारी है? नहीं सर। फिर किसका है? वो आदमी जो यहाँ तुम्हारे ऑफिस में तो पहले था। नहीं सर, वो तो अपना सारा सामान लेके चला गया था। जरा ढूंढो, देखो और कुछ मिलता है क्या, ढूंढो अच्छी तरह से। ये क्या है सचिन? जरा हाथ लगा, उठा।
ये देखो, लगता है ये प्रोजेक्टर का स्टैंड है, मतलब वो एक्सटेंशन कॉर्ड ये प्रोजेक्टर का स्टैंड उस 3D इमेज प्रोजेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। वो 3D इमेज अमायरा के कमरे में यहीं से प्रोजेक्ट किया गया है। सर समझ में नहीं आ रहा, ध्रुव ने अमायरा को मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? लेकिन सर ध्रुव के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, ना तो उसे मीरा की तरफ प्रमोशन का लालच था और ना ही अमायरा ने उसका दिल तोड़ा था, तो फिर उसके पास क्या वजह हो सकती है ये अपराध करने की? ये तो फ्रेडी ध्रुव ही बता सकता है। हेलो, क्या चेन्नई? ठीक है सर, एयरपोर्ट से फोन था, ध्रुव कल दोपहर ही चेन्नई के लिए निकल गया, वो लाइट गिरने वाले हादसे के बाद। मतलब कल रात 3:30 बजे जब अमायरा का खून हुआ तब वो शहर में था ही नहीं, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये ध्रुव कोई प्यादा है, असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। सर अमायरा के बारे में एक चौंका देने वाली बात पता चली है। सर क्या? सर अमायरा के कमरे से हमें जो ये घड़ी और पेंडेंट मिले थे, हाँ, मैंने बाजार में उसकी कीमत पता की सर, ये घड़ी 75,000 रुपए की है और ये पेंडेंट 1,00,000 रुपए का, जबकि अमायरा की महीने की आमदनी सिर्फ 15,000 रुपए थी सर। उसकी रूममेट पूजा ने बताया कि ये सारी की सारी चीजें उसे गिफ्ट में मिली थी, उसके बॉयफ्रेंड महेश ने दी थी। महेश? और सर हैरानी की बात तो यह है कि अमायरा के दोस्तों ने महेश को देखा तक नहीं, और तो और उसके मोबाइल की लिस्ट में महेश नाम का कोई आदमी है ही नहीं सर। एक मिनट सचिन, फोन रिकॉर्ड देखो, अमायरा के इस टेलीफोन रिकॉर्ड में एक लैंडलाइन वाला नंबर भी है। इस लैंडलाइन नंबर पे मरने से 2 दिन पहले अमायरा ने काफी बार फोन किया था, जरूर ये नंबर उस महेश का ही है। बस इस नंबर का पता लगाओ तो जरूर महेश का भी पता चल जाएगा। जरा महेश को बुला। कौन महेश? यहाँ कोई महेश नहीं रहता, आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? इस घर का मालिक कौन है? अमायरा मैम साहब। ये? जी हाँ यही, इन्हीं की तो बात कर रहे हैं हम। पर क्या बात है सर? इतना बड़ा घर है अमायरा जी का, तो वो लेडीज हॉस्टल में क्यों रहती थी? साहब इस सब की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। चेक करो घर को। क्या हुआ साहब? कब से काम कर रहे हो यहाँ पे तुम? साहब पिछले 3 महीनों से काम कर रहा हूँ। अमायरा की सैलरी 15,000 की थी और ये तो करोड़ों का घर, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पहले लगता था ये सारी चीजें महेश ने दी है, पर महेश तो खुद ही गायब है। अमायरा जी के मुंह से कभी महेश का नाम सुना है? नहीं साहब, बल्कि मेम साहब भी यहाँ पर बहुत कमाती थी इस घर में। सर। हाँ? इतना सारा पैसा, ऐसा लग रहा है मायरा के हाथ कुबेर का खजाना लग गया था। कहाँ से आए ये पैसे हैं? साहब हमें तो मालूम ही नहीं था। अमायरा मैम साहब को लाते हुए देखा ये रुपए? हाँ साहब, कभी कभी वो देर रात में बड़े बड़े बैग्स लेकर आती थी, पर साहब हमें कभी मालूम नहीं था कि उसमें इतना सारा पैसा है। आखिरी बार अमायरा मैम साहब ये बैग लेके कब आई थी? पिछले रविवार को देर रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में सर। काले कारनामे सब रात में ही होते हैं। देखिए जरा पता करो, पिछले रविवार को रात 2 बजे के आसपास अमायरा का फोन कहाँ पे था? जहाँ पिछले रविवार को मायरा के फोन का नेटवर्क रात के 2 बजे मिला था,
सर यानी कि वो पैसे वाला सूटकेस अमायरा को किसी ने यहीं पर दिया था। हाँ, इतनी सुनसान जगह में जो डील होगी श्रेया वो तो वही होगी जो कानून की नजर में ठीक नहीं है। और अगर डील यहाँ हुई है तो वो डील किसके साथ हुई है उसके बारे में भी हमें यहीं से पता चलेगा। ये तो बसों का स्क्रैप यार्ड है, यहाँ तो कोई चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। वो सामने चाय की दुकान है, आने जाने का ये एक गेट है, शायद उसने कुछ देखा हो। अरे सुनो भाई। अरे साहब आइए साहब, गर्मा गर्म चाय पीजिए साहब। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, अभी जरा कुछ गर्मा गर्म खबर चाहिए आपसे। अरे साहब गर्मा गर्म खबर चाहिए तो आज का अखबार पढ़ लीजिए ना साहब। साहब धंधे का टाइम है, क्यों परेशान कर रहे हैं अभी। जो खबर हमें चाहिए वो अखबार में नहीं मिलेगी, तुमसे ही मिलेगी। जी बोलिए साहब, ऐसी क्या खबर है। देखिए हम CID से हैं, ये फोटो देखिए, इस लड़की को पहले कभी आसपास यहाँ पर देखा। हाँ ये तो अक्सर यहाँ आती है, पिछले रविवार को भी आई थी देर रात। वेरी गुड, अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। सर देर रात एक कार वाला आदमी यहाँ से अंदर गया स्क्रैप यार्ड में, कार के डिक्की खोली और बड़ा सा बैग निकाल के वहाँ रख दिया और चलता बना। फिर थोड़ी देर बाद ये लड़की वहाँ आई, बैग उठाया, अपनी कार के डिक्की में रखी और चली गई। कार का नंबर देखा था। नहीं साहब नंबर याद नहीं है, अंधेरा था मैं देख नहीं पाया। अब वो कार वाला आदमी उसको तो देखा होगा ना, बाहर आया था कार के। नहीं साहब चेहरा भी नहीं देख पाया। अच्छा ठीक है, होलिया नहीं देखा, तुम उसके बारे में कुछ और बता सकते हो, कैसा दिखता था, कद काठी कितना था, क्या पहना हुआ था। हाँ उसका कद यही कोई 5'6-7" का रहा होगा साहब। 5'6-7" और कुछ। हाँ साहब एक बात है, अरे गौरव जी कहाँ जा रहे हैं बहुत जल्दी में। जी जी मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओ मतलब ससुराल जा रहे हैं। हम भी आपको ससुराल ले जाने आए हैं। मैं समझा नहीं। अमायरा का खूनी कौन है ये हमें पता चल गया है। तो तुम सबको पता चल गया कि ये खून मैंने किया। ढूंढ डालो इन सबको। ज्यादा हिलेगा तो हिला दूंगा समझे। हो गया। बताओ क्यों किया तुमने ये। मायरा मुझे अपने बॉस को ब्लैकमेल करने चली थी। वो किस बात को लेके ब्लैकमेल कर रही थी। मेरे एम्बिशियस रिसर्च प्रोजेक्ट ड्रोना जिसपे एक खास टीम काम कर रही थी, आप लोग तो जानते हैं कि वो मशहूर वैज्ञानिक राघवन कुमार जिनका पिछले साल सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। आगे बताओ। उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई थी और मैंने उसे अपने नाम से इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का आधार बनाया और मीरा भी इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दे रही थी। और ये बात हमारा को पता चल गई है ना। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बोल रही थी कि अगर उसे मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो वो सबको बता देगी कि ये प्रोजेक्ट चोरी का है। कैसे बर्दाश्त करता मैं, कैसे बर्दाश्त करता आप मुझे बताओ। मेरी इतने सालों की इज्जत बनी बनाई और सब पिट्टी में मिल जाती। और जब पानी सर से ऊपर निकल गया और तुम उसे पैसे दे दे के हर महीने थक गए तो तुमने सोचा क्यों ना उसे रास्ते से हटा। उसकी और मीरा की जो आपसे दुश्मनी थी उसका फायदा उठाया मैंने। मीरा की बीमारी का भी अच्छा फायदा उठाया तुमने। मुझे मालूम था कि उसे ब्लैकआउट वाली बीमारी है, लेकिन मैंने अफवाह बना दी कि वो टेलीकाइनेटिक है। वाह, और उसके लिए तुमने कॉन्फ्रेंस रूम में लाइट गिरवाई अमायरा के सिर पर उस इलेक्ट्रिशियन और ध्रुव की मदद से, और उसी वक्त तुमने अमायरा को बचाया भी। अमायरा इतना डर चुकी थी उस हादसे के बाद और मैंने पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी थी कि
मीरा अपने मन की शक्ति से किसी भी निर्जीव वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हिला सकती है। और फिर रात को तुम अमायरा के हॉस्टल में पहुंचे उसे मारने के लिए। मुझे मालूम था कि सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी कब कब चेंज होती है। बिल्कुल सही टाइम पर उस हॉस्टल में पहुंचा जैसे ही वो गार्ड वहां से चला गया और देखा कि पूजा उसी वक्त निकल रही और मैंने हमायरा के पीछे से उसके सर पर हमला किया और वो बेहोश हो गई। फिर मैंने उसके शरीर पर घाव बनाए जगह जगह ताकि सबको लगे कि वो सीलिंग से टकरा के गिरी है। हाँ, उसके शरीर पर चोटें कहां कहां पहुंचानी थी मैं पहले ही प्लान कर चुका था। उसके बाद मैंने उसकी उसकी गर्दन को मरोड़ा और उसे वहीं मार डाला और मेरे एक इशारे पर दूसरी बिल्डिंग से मेरे एक आदमी ने प्रोजेक्टर से वो फुटेज चलाई ताकि पूजा को ये लगे कि अमायरा सीलिंग से टकरा कर गिर गई है। ये घटिया प्लान तो तुमने बड़ी बारीकी से बनाया था। अब जेल की सलाखों के पीछे सरते बैठना सोचते बैठना कहां चूक गए तुम अपने प्लान में। तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।